बिहार में दरोगा की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले के विरोध में छात्रों ने नीतीश कुमार का पुतला फूंका। रविवार को हुए बिहार पुलिस दरोगा के लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। छात्रों ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रश्न पत्र लीक मामले की गंभीरता से जांच की जाए एवं सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द की जाए। साथ ही ये भी कहा कि परीक्षा रद्द होने पर छात्रों को परीक्षा देने में खर्च हुए पैसे दिए जाएं एवं एक सुनिश्चित समय भी निर्धारित किया जाए कि कब तक परीक्षा होगी। छात्रों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि हाल ही में बिहार पुलिस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बावजूद भी परीक्षा रद्द नहीं की गई और खुलेआम परीक्षा में धांधली की गई। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 500 रुपए लेकर इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई और आज तक उस परीक्षा की कोई खबर नहीं मिली। छात्रों ने कहा कि नौकरी के नाम पर सरकार मोटी मोटी रकम लेकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। इस मौके पर राकेश तिवारी, बंटी कुमार, उज्ज्वल राज, गोलू, आशुतोष, मृत्युंजय, हर्ष, दीपू सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। छात्र विरोधी नेता है और छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। आगे अगर एक्शन नहीं लिया तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। आत्मदाह तक हम लोग कर सकते हैं। जब बेरोजगार ही हैं तो अच्छे से आप नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग लड़ना चाह रहे हैं। आज से 5 साल पहले बिहार SSC का परीक्षा इंटर स्तरीय का फॉर्म भरा गया था। 500 रुपया फॉर्म चार्ज के नाम पर हम लोगों से लिया गया था। आज तक उस फॉर्म का कोई देखने वाला तक नहीं है, उसका एग्जाम नहीं हुआ है। आज बिहार पुलिस का परीक्षा रद्द हुआ, पेपर में भी आया, सारा मीडिया लोग देखा, लेकिन उसका परीक्षा जो रद्द नहीं हुआ, आज उसमें धांधली करके आज उसके दौर में धांधली किया जा रहा है। सारा वैकेंसी जो है पहले से ही नीतीश कुमार के दलाल वहाँ से बेच दे रहे हैं और जो टैलेंटेड जो प्रतिभाशाली छात्र जो है उसका नौकरी नहीं लग पा रहा। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुतला दान किया है और आगे भविष्य में भी हम लोगों के द्वारा इस तरह का किया जाएगा विरोध नीतीश कुमार का। छात्रों को ब्रेव न्यूज लाइव के लिए बिहार के पटना से सुमित आर्यन की रिपोर्ट।